राज्यपाल सर फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी नव स्टार्ट दी प्रमुख शब्द ऑफ चैप्टर 10th। हम आज चैप्टर 10th सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 के प्रमुख शब्द के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तुल गति। तो आपको पता है वर्तुल गति किसे कहते हैं? वर्तुल गति, ये लिखा हुआ पॉइंट, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या देखो, जैसे आप मान लो कि आप रस्सी से कोई पत्थर बांध के घुमाते हो, तो वो पत्थर आपके हाथ से उतनी ही दूरी पर रह के बार बार घूमता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? वर्तुल गति बोलते हैं। ओके, तो वर्तुल गति एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है और गोल गोल घूमती रहती है। दूरी, दूरी आपको पता है क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, मापन। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को मापने के लिए जो मापों का यूज किया जाता है, उसको मापन कहते हैं। गति, गति आपको पता क्या होती है? ऐसे गति का फार्मूला होता है दूरी बाय में समय। ओके, कि कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंदर कितनी दूरी कवर करती है, उसको गति बोलते हैं, आवर्ती गति। ऐसी गति जो अपने आप को रिपीट करती है, जो अपने आप को दोहराती है, उसको आवर्ती गति बोलते हैं। सरल रेखीय गति, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में की गई गति को सरल रेखीय गति बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक, ऐसे मात्रक जो पूरे विश्व में एक कॉमन रूप से, सामान्य रूप से मान्य होते हैं, जिसको पूरा विश्व मानता है, उसको ऐसा ही मात्रक बोलते हैं। इसको ऐसा ही का फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो उसको ऐसा ही मात्रक बोलते हैं। मापन के मात्रक, मापन के कौन कौन से मात्रक हैं? मापन के अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। कुछ ऐसे यूनिट होते हैं, कुछ आप डेली जीवन के अंदर जो यूज करते हो, जैसे आप अपने हाथ का या अपने पैरों का इस्तेमाल करके आप उसको मापते हो, तो वो भी मापन के मात्रक ही होते हैं। सारांश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। उससे उलझनी होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। SI मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। ओके, तो SI मात्रक में जो लंबाई है वो मीटर में मापी जाती है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, यह भी आपको पता है। जो गति बिल्कुल एक सीधी रेखा में होती है, उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो ये हमने आज के सारांश और इस चैप्टर के प्रमुख शब्द डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। अध्याय 10 गति और दूरियों का मापन, कक्षा 6 अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न फर्स्ट, वायु, जल तथा थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। थल परिवहन कौन से हैं? बस, ट्रेन, मोटर बाइक। जल परिवहन, नाव, जहाज, स्टीमर। वायु परिवहन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप सभी को पता है। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, ये भी आपको पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर हो जाएंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति को आवर्ती गति बोलते हैं।
क्योंकि वो अपने निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति को भी वर्ती होती है कि गति विवर्ती होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति को वर्तुल गति बोलते हैं क्योंकि वो एक नियत बिंदु से फिक्स मान रहता है। चलो आज हम क्या करेंगे, इसके दो ही क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। आपने क्या करना है, ये दो क्वेश्चन आंसर पर अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम कल कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। उसके बाद हमने क्या करना है, इस चैप्टर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करो, जितना इसका हो चुका है आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। ओके, अच्छे से इसको पढ़ो। इसके कोई भी दिक्कत है तो वो पूछो। स्कूल जाकर आप अपनी पिछले चैप्टर की नोटबुक भी चेक करवा सकते हो। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।